देखिए अभिमन्यु मेरे छोटे भाई, भले किसी भी पार्टी में रहे बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे, तो जरूर मैं चाहूंगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। चिराग पासवान इन दिनों बिहार में है। अपने पिता की पहली बरसी मनाने के बाद भी चिराग पासवान लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि लोजपा अभी दो भागों में बटा है, एक पारस गुट, दूसरा चिराग गुट। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, बिहार में घूम घूम कर बिहार की जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करें, जो उनके नेता के, उनके पिता के जो विचारधारा थी उसे आगे लेकर वो चलते रहें। ऐसे में चिराग पासवान लगातार युवा नेता जो है उनके भी संपर्क में है। रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके बेटे अभिमन्यु से मिले, मुलाकात हुई और इस पर उन्होंने मीडिया में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही रामकृपाल यादव किसी भी पार्टी में रहे हो, लेकिन उनके पिता के साथ रामकृपाल यादव के संबंध अच्छे रहे। एक छोटे भाई की तरह रामविलास पासवान ने उन्हें माना है और उनको माना था, और रामकृपाल यादव ने एक बड़े भाई की तरह उन्हें आदर दिया है। ऐसे में पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं और अभिमन्यु से मुलाकात करने के बाद भी उन्होंने कहा है कि लगातार मुलाकात जो युवा नेता से वो कर ही रहे हैं। इन दिनों चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ आने के कयास लग रहे थे, लेकिन उसको उस सिरे से खारिज कर दिया चिराग ने। तेजस्वी ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन चिराग पासवान ने अभिमन्यु यादव से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं इसलिए मुलाकात हुई और ऐसी एक मुलाकात थी। और क्या कुछ कह रहे इस मुलाकात पर चिराग पासवान, सुनिए। देखिए अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथ ही रहे, छोटे भाई की तरह रहे, भले किसी भी पार्टी में रहे बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ। नीरज कुमार बबलू ने बिहार के मंत्री कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ पूछ सकते हैं। भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है मेरी, मैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं। देखिए अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं, भले किसी भी पार्टी में रहे बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ। मुलाकात हो जाए, क्या साथ आएंगे, क्या युवा हैं आप? देखिए अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथ ही रहे, छोटे भाई की तरह रहे, भले किसी भी पार्टी में रहे बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ।